आज विश्व तंबाकू दिवस है। धूम्रपान निषेध, बीड़ी, गुटखा, गांजा, भांग, किसी प्रकार का आप नशा करते हैं तो आज 31 मई है, आज के दिन से धूम्रपान निषेध अभियान चलाया गया और विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर बोलते हुए मैं आप लोगों से कुछ गंभीर सवाल करते जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुटखा पे, बीड़ी पे, किसी भी रैपर के पीछे कैंसर का वो बना हुआ मोनोग्राम होता है, उसे देखकर भी लोग उसको खाते रहते हैं। मान लीजिए आप जो बीज बोएंगे आपको वो काटना पड़ेगा। मेरे मित्र ने कहा कि 10 साल पहले हम एक दिन में 5-5, 6-6 बंडल बीड़ी का पी जाते थे और एक बंडल की बीड़ी में 25-25 बीड़ी आती थी। सिगरेट लोग पी रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग भी सुरती, गुटखा, पान, मसाला, किसी भी तिर्क खैनी खा रहे हैं, उनकी जो मृत्यु है वो 95% कैंसर से ही हो रही है। अब लोग ये कहेंगे बहुत सारे लोग खाते हैं, तो नजदीक से मैंने अध्ययन किया कि जिनके अनावश्यक चीज खाते खाते अंदर हो जाते जाते प्रॉब्लम पैदा हुआ, जरूरी नहीं है माउथ का ही कैंसर हो। जब उसके रस को, जब उसके तत्व को आप अंदर ले जाएंगे तो आपके शरीर में एक लीवर है, पित्ताशय है, किडनी है, आंत है, ग्लैंड ऐसे हैं, कमांडर रूपी ग्लैंड हैं जो आपके शरीर में सेल जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे ही वो एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल होने के बाद शरीर में फैलने लगता है, फिर जांच की प्रक्रिया शुरू होती है और शुरुआत होता है अल्ट्रासाउंड से, जैसा कि उधर डायग्नोसिस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आयरिश डायग्नोसिस है। जैसे ही आप करते हैं तो रिपोर्ट आती है कि लीवर आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, हेप्टोमेगली है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है। जैसे ही इस तरह की बात करके आते हैं और पेशेंट तो दौड़ने लगता है फिर जांच कराने, मुझे तो कभी ये नहीं था, कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ करती थी। तो मैं इसलिए आज ये कह रहा हूं, इसलिए दबाव देकर बोलना चाहता हूं, बचिए और लोगों को बचा लीजिए। जिनकी दो अंगुली मुंह में जाना बंद कर दे, कैंसर का शुरुआत है। जिसके शरीर में अनावश्यक ट्यूमर है और लिम्फेटिक नोड्स हैं, वो एक उम्र के हिसाब से एबनॉर्मल होंगे, एबनॉर्मल होंगे तो कैंसर होगा, इसे हल्के में ना लीजिए। वैज्ञानिक तथ्य है कि आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य को हर चीज में गंभीरता से लेना चाहिए। किसी चीज के पीछे आप देखिए, अगर हम नीम का पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो हम नीम का ही फल प्राप्त करेंगे। तो जो बीज आप बोएंगे अपने शरीर में, आपकी शरीर बहुत कीमती है और इस कीमती शरीर के लिए आप कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। आप जो है पूरी तरह से फास्ट फूड आहार प्रचार के माध्यम से जो भी आया दिखा, दिमाग में चढ़ गया कि यही हमको फायदा करेगा। जरा सोचिए कि जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती, जंगलों में रह रहे इंसानों के पास डायबिटीज नहीं हुआ, उन्हें कैंसर नहीं हुआ,
मनुष्य को ही क्यों हो रहा है, खास करके जो शहरों में रह रहे हैं जिनका दिनचर्या उठना बैठना सब दूषित हो गया है। आज का वातावरण दूषित है, हवा दूषित है, हमारा जो खान पान दूषित है, जो मैं ला रहा हूं मार्केट से खरीद करके उनका बेचना मजबूरी है क्योंकि उनको कुछ पैसा आएगा, कि ये किसने किया? तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनकी बातें ऊपर तक क्यों नहीं लागू हो रही है? नेचुरल और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो चिकित्सा विज्ञान है, ये पूर्णतया हानि रहित और एक्वा बेस पे आधारित पैथी है, जिससे कि इसकी खोज में मैं जाता हूं। इसके जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि वेजिटेबल किंगडम इलेक्ट्रिसिटी, वनस्पति जगत में विद्युत शक्ति संपन्न है। उन्होंने तमाम असाध रोगों को ठीक किया, उसका एविडेंस है। महामारी आई, उसमें दवाएं बांटी गई और महामारी रोका गया, कॉलरा हैजा था। आज अगर मनुष्य बीमार है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, तो गुटखा खाने वालों से, शराब पीने वालों से, बीड़ी सिगरेट पीने वालों से और सुरती खाने वालों से मेरा सख्त निवेदन है, सख्त निवेदन है कि छोड़ने का प्रयास करें। और मैं जानता हूं इतनी जल्दी ये छूटता नहीं, जिन्हें लत लग गई हो नशेड़ी की, नशा की, जिस देश में नशा करने के लिए अनेकों प्रकार के रास्ते बना दिए गए हो, उनको धर्म से जोड़ दिया गया हो, ये विज्ञान नहीं मानता। सरकार को विज्ञान पर, वैज्ञानिकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो रात दिन रिसर्च कर रहे हैं। तो आज विश्व तंबाकू दिवस पर मैं यही आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आज से ही आप इन सब को छोड़ने का आदत डालिए, क्योंकि आने वाला कल बहुत भयावह होने जा रहा है। और आप लोग विश्वा स्पेजेरिक हर्बल तरल पदार्थ मंगा करके प्रयोग करें और इस क्षेत्र में काम करें। आज जरूरत है सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर की, ग्रामीण स्तर से तैयार करके लोगों की सेवा करें। दूसरे नंबर पे आता है कचरा, गंदगी, खुले में शौच करना। जैसा कि शहर में लोग ऐसा नहीं हो पा रहा, लेकिन ग्रामीण स्तर में आज भी है। जिस स्तर पे आप हैं, लोगों तक बताएं कि ये बिल्कुल बंद है। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई। अब शराब जहरीली और स्वादिष्ट कैसा है? शराब शराब होता है। बुद्ध ने कहा, पांच सील में एक सील नशा का है, यह सबसे खतरनाक है। और जिसे अपना आचरण और नशा इन सब पर ध्यान नहीं दिया, उसका शरीर कैसे बचेगा? लीवर का फर्स्ट ग्रेड, लीवर का सेकंड ग्रेड हिप्टोमेगली होने के बाद, लीवर फैटी होने के बाद लोग बहुत आराम तलबी से जिंदगी जीते हैं। वो सोचते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही लीवर बीमार होता है, तो लीवर बीमार होने के बाद आपको फिर गठिया पकड़ेगा, फिर आपको दर्द होगा, कभी इधर होगा कभी उधर होगा, फिर वहीं से गाल पित्ताशय प्रभावित होगा, पित्ताशय के बाद आपका पंक्रियाज प्रभावित होगा, पंक्रियाज के बाद आपका किडनी प्रभावित होगा, आपका आंत प्रभावित होगा। धीरे धीरे करके जब जांच करा के ऊपर पहुंचेंगे, डॉक्टर बोलेगा आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। पर विश्वा स्पेजेरिक हर्बल फार्मूला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपके बॉडी में तीन प्रकार के काज हैं, कारण हैं, लिम्फ,
ब्लड विश्लेष। ये तीन प्रकार के प्रकृति के दोष हैं, इनको ठीक करने के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए, दीवार अंग को मजबूत बनाने के लिए कि आपके शरीर रूपी मकान को इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि आपके शरीर में किसी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया आए जाए उससे कोई रोग नहीं होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, आप मजबूत बने रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की खोज क्यों हुई? किसी चिकित्सा विज्ञान में कमी पाई तभी तो हुई। तो आज ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपना रहे हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित इसलिए है क्योंकि वनस्पति जगत मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर ज्यादा है और भी इसमें रिसर्च की जरूरत है। जैसे हमने 100 पेड़ पौधों का अपना संकलन किया और वन औषधियों माध्यम से तैयार किया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधि के साथ साथ, तो मेरा तो आप लोगों से भी निवेदन है आप लोग इस चीज को शुरुआत करिए। किसी भी सिंगल में किसी भी नीम के पेड़ हो, और इंडिया का नीम हो या अमेरिका का नीम हो, अब अमेरिका का नीम और पत्ती में लोग बताएं कि इसमें ज्यादा गुण है तो हम इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। जिसमें जहाँ का एटमॉस्फियर, जहाँ का पर्यावरण, जहाँ का वातावरण जैसा होता है उसको वहीं का जो है संतुलन, वहीं का नेचुरल चीजें ठीक करती हैं, तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ का साधारण सा एक कार्य है। इसे हर जन जन तक पहुंचाइए। जो लोग मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सीखकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे लोग संपर्क करें और अच्छे से अपना व्यवसाय करें, देश की सेवा करें, लोगों को स्वस्थ रखें और अपना स्वरोजगार प्राप्त करें। मेरा मोबाइल नंबर है 94-50-25-32-54। डॉक्टर विनोद सम्राट मौर्य, शोध वैज्ञानिक वन औषधि, अध्यक्ष विश्व एकीकृत चिकित्सा प्रणाली ट्रस्ट भारत, अध्यक्ष नशा मुक्ति मोर्चा भारत, डायरेक्टर विश्व स्पेजेरिक हर्बल भारत, ईआरडीओ उत्तर प्रदेश प्रभारी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का इकलौता संगठन है जो सभी